नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर बालाघाट से है। यहाँ पुलिस ने 60 वर्षीय महिला की हत्या के आरोप में दो लोगों को किया गिरफ्तार। अगली खबर चतरा से है। यहाँ श्रद्धा सुमन के साथ मनाई गई स्वर्गीय सुशील श्रीवास्तव की 9वीं पुण्यतिथि। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहाँ शिव कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। विगत 31 मई को बालाघाट जिले के थाना खैर लांजी अंतर्गत ग्राम कुंबली में खेत से एक महिला की लाश पुलिस ने बरामद की थी, जिसकी हत्या के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसडीओपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि विगत 31 मई को ग्राम कुंबली खेत में एक महिला का शव पुलिस ने बरामद किया था। पूछताछ में पता चला कि मृतका गाँव के हरिराम के खेत में धान काटने जा रही थी, जहाँ आरोपी संदीप मरावी ने रास्ते में रोककर उसे गलत नियत रखते हुए छेड़छाड़ करने लगा। महिला द्वारा मना करने और पुलिस में शिकायत करने कहने पर आरोपी संदीप ने वहीं खेत में पड़े पत्थर उठाकर सिर में वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी संदीप ने मृतका की हत्या की बात अपने साथी रोहित को बताई और दोनों ने रात में मृतका का शव छुपा दिया था। आरोपियों को हत्या कारित करने और साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय न्यायिक अभिरक्षा हेतु पेश किया गया। लगभग 60 वर्ष निवासी ग्राम कुंबली थाना खैरलांजी की गुमसुखी की रिपोर्ट थाने में प्राप्त हुई, और जिस पर थाने में गुमसुखी का प्रकरण दर्ज किया गया। सूचना पर यहां से थाना खैरलांजी से लगातार ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान दिनांक 31 मई 2024 यानी लगभग 2 दिवस पश्चात एक शव क्षतविक्षत अवस्था में नथुलाल मंडरले के खेत जो कि ग्राम कुंबली में प्राप्त हुआ। शव का तत्काल थाना और अन्य मौजूदगी में शव का पहचान पंचनामा आदि करवाया गया, जिससे पहचान स्थापित हुई कि शव मृतिका जमुनाबाई चौरावर का ही है। इसके पश्चात देहाती नालसी कायम किया जाकर और थाने आकर असल मर कायम किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, मतलब पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दी गई। मर जाँच में कुछ साक्ष्यों के गठन लिए गए एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की गई। पीएम रिपोर्ट से ऐसे ही प्राप्त हुआ कि शव में मृतिका की हत्या की गई है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, मध्य पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तत्काल इसमें सघन रूप से संदिग्धों की जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई। ग्राम स्तर पर सूचना आरक्षकों को इसमें एक्टिवेट किया गया और 31 के पश्चात 1 तारीख की शाम को ही हमको कुछ संदेह प्राप्त हुए, जिनसे पूछताछ की गई और उसमें निकल कर आया कि 2 आरोपी संदीप मड़ावी निवासी मारेगांव थाना तिरोड़ा महाराष्ट्र एवं रोहित सेलोकर निवासी ग्राम कुंबली थाना खैरलांजी द्वारा महिला का छेड़छाड़ आदि का विरोध करने पर महिला की हत्या कर दी गई है। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। जिले के हंटरगंज प्रखंड के पंचायत तिलहेत के ग्राम कुब्बा में निर्धारित कार्यक्रम के तहत विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी स्वर्गीय सुशील श्रीवास्तव की 9वीं पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा से मनाई गई। इस पुनीत कार्य में बतौर मुख्य अतिथि चतरा विधानसभा के पूर्व विधायक जनार्दन पासवान शामिल हुए। विधि विधान एवं पूजा अर्चना कर स्वर्गीय सुशील श्रीवास्तव की स्थापित मूर्ति पर श्रद्धा सुमन के फूल बारी बारी से लोगों ने अर्पित किए। मुख्य अतिथि जनार्दन पासवान ने कार्यक्रम के उपरांत कहा कि दुनिया की यह नियति है कि जो इस धरती पर आया है उसे किसी न किसी बहाने जाना है। इस दुनिया को अलविदा कहने वाले मनुष्यों की अच्छी कार्यों को याद कर नमन किया जाता है। वहीं पैक्स अध्यक्ष मिथिलेश श्रीवास्तव ने उनके जीवनी पर व्यापक प्रकाश डालते हुए उन्हें गरीबों का मसीहा करार दिया। इस मौके पर सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हम लोग हर साल के भांति नौवीं पुण्यतिथि हर साल के भांति मनाते हैं और 2 जून को उनके श्रद्धांजलि देते हैं, और उस दिन हम लोग सभी मैंने ग्रामीण से लेकर के आगंतुक जितने भी हमारे पास पड़ोस के भाई बंधु हैं सबको बोला निमंत्रण दे करके उनको भोजन करवाते हैं, और उन और उ, 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 यही पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सब को धूमधाम से मनाते हैं। और यह उनका एक ऐतिहासिक चीज है, बराबर उन्होंने गरीब के बीच में कम्बल बांटे, गरीब दुखिया के बीच में लड़की के शादी करवाए, गरीबों के बीच में हर तरह के जो इलाज के लिए रोता था उसको इलाज करवाए,
इस तरह से उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा इस क्षेत्र में, और क्षेत्र में योगदान रहने के कारण इनका पुण्यतिथि में हर कोई आते हैं, एक छोटा से छोटा लोग बड़ा से बड़ा लोग आते हैं। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गिरिडीह पूर्वी मंडल के गावा वन क्षेत्र में पर्यावरण एवं जलवायु बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें गावा वन विभाग की टीम से वनपाल राजेंद्र कुमार ने धनेता में ग्रामीणों को बताया कि कैसे पर्यावरण एवं जलवायु को बचाया जा सकता है और जंगल को काटने से क्या नुकसान होता है। राजेंद्र कुमार ने कहा कि जंगल में किसी भी जीव का शिकार नहीं करना है, जंगल से कच्चे पेड़ों को नहीं काटना है और ना ही किसी को काटने देना है। अगर कोई व्यक्ति जंगल काटने का काम करता है या किसी वन्य जीव का शिकार करता है तो तुरंत वन विभाग को सूचना दे, क्योंकि जंगल है तो जीवन है। जंगल रहने से अच्छी बारिश होती है, पीने के लिए पानी मिलता है, इसलिए जंगल बचाना आवश्यक है। मौके पर वनपाल राजेंद्र कुमार, सुनील हेब्रम, विनोद यादव के साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। झारखंड से सीनियर संवाददाता सचिन सिंह की रिपोर्ट। सासाराम में बेखौफ बदमाशों ने डेयरी व्यवसायी से छीन छपट के बाद मारपीट करते हुए दहशत फैलाने हेतु फायरिंग की। घटना सासाराम धौड़ार थाना क्षेत्र के लेरुआ गांव से जुड़ी बताई गई। दोनों घायलों को सदर अस्पताल सासाराम में इलाज हेतु लाया गया। घायलों में अनिल कुमार सिंह तथा सोनू कुमार शामिल हैं। पीड़ित परिजन ने बताया कि बेखौफ बदमाशों ने डेयरी व्यवसायी से पैसा छीन छपट करने लगे। इस दौरान मारपीट के साथ विरोध करने पर फायरिंग कर भाग निकले। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना हुआ है, पहले झगड़ा हुआ होटल पर जी, वो लोग रंगबाजी का सिलाए थे, हम लोग जेडी चला वाला रहे थे, वहाँ चलाते हैं जेडी, पैसा से था 50,000 रुपये पॉकेट में था, वो छीनने आया 10 लड़का लेते, तो वहाँ से हम लोग थोड़ा ज्यादा थे आदमी, तो वहाँ से चला गया वो, फिर गाँव में आके झगड़ा कर दिया। झगड़ा कर कहाँ की घटना है? लेरुआ बाल का। लेरुआ बाल की कई बजे घटना है? लमसम 9 बजे का। 9 बजे का जी। कई लोग जख्मी हैं? जख्मी 2 लोग हैं। क्या क्या नाम है? तो अनिल कुमार सिंह और सोनू कुमार। कहाँ लेकर आए हैं दोनों लोग? सरकारी हॉस्पिटल में हैं। सासाराम। आपका क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद गांव में आया, लोग 3 लोग गांव का है और बाकी वो जाने का उसका गेंद चलता है, वही वहाँ से गांव में फायरिंग 3-4 फायर किया, उसके बाद जख्मी हो गए 2 लोग। अच्छा, पुलिस को सूचना दी गई है? हाँ, पुलिस को सूचना दिया गया था, 2 लोग आए थे और मारो के हटा उठा के फिर चले गए वहाँ से। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर सहारनपुर से है, जहां शिव कुमार हत्याकांड का खुलासा करते हुए थाना गागलहेड़ी पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार कर मृतक से लूटे गए 6,000 रुपये बरामद किए हैं। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने इस घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ जानकारी दी है, आइए आपको सुनवा देते हैं। जी हां, 14 मई की सुबह गागलहेड़ी थाना क्षेत्र के अंदर जो पाली गांव है उसके पास एक खेत में एक अज्ञात शव मिला था। पोस्टमार्टम में जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया बॉडी का, तो स्ट्रैंगुलेशन आया था जिस कॉज ऑफ डेथ, और उसमें 302-201 का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बॉडी का आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी प्रयास में किया गया है। जब ये बॉडी हमारे पास मिली थी, एक ऐसा लग रहा था बच्चे से 26 साल के युवक की है और उसके हाथ में शिव कुमार के नाम का टैटू बना हुआ था। उसके पास से एक मोबाइल फ़ोन मिला था जिसमें कोई सिम नहीं था, तो उस मोबाइल फ़ोन कहाँ से परचेज़ किया गया है इसकी डिटेल हमने मोबाइल की जो कंपनी है उसर से निकलवाई। उनके द्वारा जो डिटेल दी गई थी उसे पता चला ये यमुनानगर में एक बिलासपुर एरिया है, वहीं के एक मार्केट एक शॉप से मोबाइल शॉप से ये परचेज़ किया गया है। हमारी टीम जब वहाँ पे गई तो आसपास के लोगों ने ये बात बताई कि ये फ़ोटो जब दिखाई गई थी मृतक की उसमें, तो उनके द्वारा ये बात बताई गई कि ये मृतक यमुनानगर में एक पास में चरखी है वहाँ पे काम करता था। जब चरखी वालों से पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि इसका नाम शिव कुमार और शिब्बू और ये गांव संबलहेड़ी का रहने वाला था। तो वापस से जब जो हमारी टीम है वो वापस संबलहेड़ी आती है, संबलहेड़ी में जब आती है तो पूछताछ की जाती है और उसके जो परिजन हैं मृतक के उनसे शिनाख्त करवाई जाती है, तो उनके द्वारा बताया जाता है कि उनका बेटा शिव कुमार ही है। उसके बाद इसमें काफ़ी सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई थी, सीसीटीवी फुटेज हमने यमुनानगर से ही देखनी स्टार्ट करी थी कि ये जब अपने यमुनानगर से 13 तारीख को निकला है तो वो किस किस वाहनों से किस किस माध्यम से यहाँ पर जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मिली है वो कहाँ तक कैसे पहुँचा है। तो हमें एक बस हमारी ट्रेस हुई जो यमुनानगर से निकली थी और उसको घंटा घर पे छोड़ा था,
घंटाघर पे छोड़ने के बाद इसने वहाँ पे जो कैंटीन है और देशी मदिरा की जो दुकान है वहाँ पर इसने शराब का सेवन किया था, वहाँ से कुछ खान पान का सामान भी लिया था, वहाँ से एक टेम्पो लेकर सड़क दूधली उतरा था। सड़क दूधली में इसकी मुलाकात जो अभियुक्त है राजेश सैनी उससे मुलाकात होती है। राजेश सैनी इसी के गांव का है, चार मकान छोड़कर रहता है इसके घर का और पहले से ही दोनों एक दूसरे को जानते थे। वहां पर इन दोनों के द्वारा साथ में शराब का सेवन किया जाता। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।